नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना मंथली बजट कैसे प्लान करती हूँ। ये मेरा बजट है तो मेरे घर के हिसाब से है। आपके घर में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आपके खर्चे कुछ अलग हो सकते हैं या आपकी ज़रूरतें कुछ अलग हो सकती हैं, लेकिन जस्ट टू गेट एन आइडिया मैं आपको अपने घर का बजट आज शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो फंडा है सेविंग्स के पीछे वो क्या है। तो जितनी भी हमारी सैलरी है, जितनी भी घर की टोटल सैलरी है हस्बैंड वाइफ की मिलाकर, उसमें से हम एक सर्टन अमाउंट सेव कर देते हैं और उसके बाद जो बचता है ना उसी को हम खर्च करते हैं। यही हमारा फंडा है। तो पहले सेविंग्स को मिलती है प्रायोरिटी और उसके बाद ही प्रायोरिटी मिलती है एक्सपेंसेस को। अब सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, मेरा जो बिलीफ है कि कम से कम 50% सैलरी का सेव हो जाना चाहिए। अब हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। किसी की सैलरी 10% सेव कर सकता है, कोई 10-50%, मतलब आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सैलरी कितनी है। सपोज़ आपकी सैलरी अगर 30,000 है तो उसमें आप 15,000 सेव कर सकते हो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो। बच्चे अगर बड़े हैं तो उनकी स्कूल फीस, किताब कॉपियों का खर्चा हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोशिश करनी है कि कम से कम 10% तो सैलरी आप सेव कर ही दीजिए और उसके बाद जो बचता है वो खर्चा कीजिए। अगर किसी की बहुत अच्छी सैलरी है तो आप 50% तक भी सेव कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ मंथली बजट पे। तो मंथली बजट के लिए मुझे विकास खर्च करने के लिए देते हैं लगभग 20,000 रुपीज़। तो ये हमारा मंथली इतना अमाउंट हमने डिसाइड किया है कि इसमें हमें अपना घर का जो बेसिक काम है वो चलाना है। कई बार खर्चा ज़्यादा हो सकता है जब शॉपिंग हो जाए या फिर जब हम कोई ट्रैवलिंग करें, लेकिन जो नॉर्मल डेज हैं, जब कोई ट्रैवलिंग नहीं है, जब कोई फेस्टिवल नहीं है, जब कोई फंक्शन नहीं है, जब किसी के यहाँ कुछ आना जाना नहीं है, मोस्टली वही डेज होते हैं, तो उनमें मंथली जो बजट है वो 20,000 रुपीज़ है। अब मेरी जो आदत है कि मैं बहुत ही कैलकुलेटिव हूँ, बिल्कुल कैलकुलेट करके चलती हूँ, तो इसमें से भी मैं सोचती हूँ कि कुछ बचा लूँ तो वो अगले महीने में जुड़ के अगले महीने में और अच्छे से खर्च कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हर घर का जो मोर और लेस इसी तरह का खर्चा होता है, इसी तरह का बजट आपका बनेगा। तो सबसे मोटा जो खर्चा होता है वो होता है रेंट या फिर EMI का। हम लोग नौकरी करने के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं तो वहाँ घर को रेंट पे लेते हैं, या फिर कुछ लोग उस शहर में घर भी खरीद लेते हैं तो उनकी हाउस की EMI जाती है। तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ये खर्चा ज़ीरो है। क्यों? बिकॉज़ हमारा जो फ्लैट है वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है और हमारा जो टू ईयर्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें गवर्नमेंट फ्लैट ही मिलता है। तो इसका जो है रेंट जो है ये एक मोटा खर्चा हमारा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ठंडी प्लेस है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे पंखा और AC चलने से जो मीटर एकदम शूट अप हो जाता है ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ क्या चलेगा, सिर्फ लाइट्स चलेंगी, वो भी रात के टाइम पे, और गीज़र चलता है। जब भी हमें नहाना होता है उसके जस्ट पहले हम गीज़र चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि गीज़र को ऑन ही रख के छोड़ देते हैं। तो गर्मियों में तो इतना बिल आ रहा है 500। सर्दियों में यहाँ पे ब्लोअर चलेगा तो देखेंगे तब कितना बिल आएगा। तो फिलहाल के लिए 500 इज़ अलॉटेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हाउस हेल्प, जो हमारी हाउस हेल्प हैं, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मुझे हाउस हेल्प लगाना पड़ता है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपका ये खर्चा इंटायरली मतलब कट हो जाएगा। तो हमारी जो हाउस हेल्प हैं झाड़ू पोछा बर्तन और थोड़ा सा कुकिंग में थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। मेनली मेरी मदर इन लॉ ही कुक करती हैं, तो 4,000 लगभग उनका हो जाता है। उसके बाद मोटा खर्चा है मिल्क का। मिल्क जो है वो हम दूध वाले से लेते हैं, उनके पास गाय हैं, भैंस तो यहाँ होती नहीं है, तो गाय का जो दूध है वो लगभग 50 रुपीज़ लीटर है। तो हम 1.5 लीटर दूध लेते हैं मेरे विकास और विवान के लिए और दादी के लिए। तो हमारा जो खर्चा है दूध का लगभग 2400 रुपये महीना आ जाता है। उसके बाद डाइपर्स का मोटा खर्चा है। डाइपर्स मैं विवान को डेली लगाती हूँ, क्योंकि मैं काम पे छोड़ के जाती हूँ विवान को, तो मैं नहीं चाहती कि उसकी दादी को पीछे से कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर हम ओपन छोड़ेंगे तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होएगी, मतलब फ्लोर वगैरह साफ़ करने की। तो डायपर्स उसके दिन रात यूज़ होते हैं, तो इस वजह से 1,000 रुपीज़ लगभग डायपर्स के हर महीना खर्च हो जाते हैं। मैं डायपर बल्क में मंगाती हूँ, अगर आप ज़रूरत के टाइम मंगाओगे तो ये खर्चा बिल्कुल डबल हो जाएगा। मैं जब सेल होती है 35% ऑफ होता है फर्स्ट क्राई जैसी साइट्स पे, तब ही मंगाती हूँ मैं। कभी भी डायपर मैंने आज तक जो उसका MRP है उस पे नहीं लिए, उससे 30% डिस्काउंट में ही लिए हैं। अगला जो खर्चा रहता है हमारा वो होता है गैस का। तो गैस का सिलेंडर लगभग 1.5 महीना हमारा चल जाता है, तो उसका लगभग 600 में यहाँ पे एक सिलेंडर फिल होता है, तो वो उतना लग जाता है। नेक्स्ट चीज़ है राशन। राशन में आ गए आपके गेहूँ,
आटा, चावल, दाल, बेसन, सूजी, ये सब सारी चीज़ें आ गई, प्लस घी हमें लेना पड़ता है। घी एक मोटा खर्चा है, इसलिए 3000 है। अगर आप घी नहीं ले रहे हैं तो 2000 हो जाएगा। विवान को देने के लिए हमें घी यहाँ पे बाय करना पड़ता है, क्योंकि इस मिल्क में घी इतना अच्छा नहीं आता है, तो 3000। उसके बाद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का भी खर्चा लगभग 2000 आ जाता है। यहाँ पे फ्रूट्स थोड़े काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं, तो विवान के लिए ही मेनली हम लेते हैं फ्रूट्स। हम लोग भी कभी कभी खाते हैं, बट हम लोग इतना काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम इतना ज़्यादा फ्रूट्स खाने का भी समय नहीं मिल पाता है। अगला जो खर्चा है वो है ट्रैवलिंग के लिए पेट्रोल का, तो वो 1000 रुपीज़ यहाँ लग जाता है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में, तो वहाँ पे आप CNG यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने काफ़ी अच्छे पैसे सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा खर्चा है गैंगटॉक सिटी में रहने का। और मैं पर्सनली बताऊं कि गैंगटॉक एक काफ़ी महंगा शहर है, तो उस हिसाब से ये खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपको लग सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप रह रहे हैं ना, किसी मैदानी इलाके में रह रहे हैं, तो आपको काफ़ी मतलब बचत हो जाएगी। उसके बाद कुछ ऑप्शनल खर्चे होते हैं, जैसे अगर आपके घर कोई गेस्ट आ गए तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लानी पड़ेंगी खाने पिलाने के लिए, या फिर आप किसी के घर गए तो आपको गिफ्ट्स वगैरह लेके जाने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि सेल लगती है, तो हमारा बड़ा मन कर जाता है कि हम क्लोथ्स खरीद लेते हैं। कभी बच्चे के क्लोथ्स खरीद लिए, कभी अपने खरीद लिए, कभी किसी और के खरीद लिए, तो ना। और फिर घर का सामान, कहीं भी जाते हो तो घर का सामान लग जाता है 2000। तो अब इन सारी चीज़ों का मैं टोटल कर लेती हूँ, तो आ जाता है मेरा 16500 रुपये। 16500 में से मुझे 20000 मिल रहे थे, तो मेरे कितने बचत हो जाती है, 3500। अब मैं क्या कोशिश करती हूँ कि अगले महीने में 20000 मुझे मिलने ही मिलने हैं, वो तो फिक्स्ड हैं, तो उसमें 3500 जोड़ के मैं 23500 हो जाते हैं मेरा अगले महीने का बजट। तो ये चीज़ बच भी सकती है, ये चीज़ नहीं भी बच सकती है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इस चीज़ को बचा लूँ। तो क्या होगा कि अगले महीने में आपको कुछ और चीज़ खरीदनी है, जैसे अपने लिए कपड़े खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हैं, कपड़े खरीदने हैं, शूज़ खरीदने हैं, वगैरह वगैरह। तो मतलब ऑलवेज गुड रहता है कि अगर आप सेविंग कर लें तो। तो इससे क्या होता है, इससे एक माइंडसेट बनता है आपका सेविंग करने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके बैंक अकाउंट में ही आपकी सेविंग जुड़ती जा रही है ना हर महीने, तो आपकी जो लाइफ है ना, ऑटोमेटिकली बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो जाती है। मतलब आपको अच्छी नींद आती है। अगर आपके पास कुछ होता है ना, बैंक में पैसा होता है, तो आपको अच्छी नींद आती है। अगर आप लोन में रहते हैं, आप डेब्ट में रहते हैं, आप कर्ज में रहते हैं, तो आपको तरह तरह की बीमारियां पकड़ जाएंगी, आप शांति से नहीं जी पाओगे। तो मेरी तो यही आपको एडवाइस रहेगी कि आप जितना भी सेव कर सको उतना सेव करो, जितना भी सैलरी में सेव करो, 50 कर सको तो 50 करो, 70 कर सको तो 70 सेव कर लो अगर आपकी ज़्यादा सैलरी है तो, नहीं तो कम से कम 10% तो सेव करो। बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हर महीने 10% सेव करने का भी। और ये जो सेविंग्स आपकी हो रही है ना, ये चीज़ें आपको फ्यूचर में अपना घर खरीदने के, अपने गोल्ड खरीदने के, कोई अपनी लैंड, कोई प्लॉट खरीदने के, या फिर आपकी स्टडीज़ के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए, इमरजेंसी कोई पड़ जाए, कोई बीमारी एकदम से डिटेक्ट हो जाए, उन सब चीज़ों के लिए काम आएगी। तो मेरी जो मेन मोटो है वो रहती है सेविंग्स, और उसके बाद ही एक्सपेंसेस। एंड आई होप कि आपको ये मेरा जो मंथली बजट प्लान है और मेरी जो सोच है इसके पीछे, मेरा जो फंडा है लाइफ का, वो चीज़ समझ आई होगी, उस चीज़ को आपने अप्रिशिएट किया होगा, उस चीज़ से आप कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो कि कर्ज में रहते हैं, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया टाइप करते हैं, तो हमें खर्चा रुपया नहीं करना। अगर आमदनी अठन्नी है तो हमें चवन्नी ही खर्च करनी है, अठन्नी खर्च नहीं करनी है। ऐसे ही लाइफ में शांति रहेगी, ऐसे ही हम बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर बना पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय बाय।